अब इन पत्थरों को देखिए, ये परकोटे के पत्थर होंगे। देखिए कार्यशाला में लगभग 30 वर्षों से ये पत्थर तराशे जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर आंदोलन का जो इतिहास रहा है उसमें इसका अमूल्य योगदान है। राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों के साथ ही क्या 2025 तक राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूर्ण किए जा सकेंगे इसके संदर्भ में सबसे एक्सक्लूसिव एवं नवीनतम जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नमः आर्य लक्ष्मणं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं सीताराम नाम महाराज की जय। श्री राम लला भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन के कष्टों को हरने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस दिव्य चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है, और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने आप देख सकते हैं कि यह श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला का सबसे नवीनतम परिदृश्य है, और श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला वही है जहां पर राम मंदिर में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अधिकांश पत्थर इसी कार्यशाला से प्रयुक्त किए गए हैं, और यह राम जन्मभूमि परिसर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है, और यहाँ से तराशे हुए पत्थरों को सीधे राम जन्मभूमि परिसर में लाया जाता है, और अभी वर्तमान में परकोटा निर्माण कार्यों में इन सभी पत्थरों को प्रयुक्त किया जा रहा है। और यह कार्यशाला राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ये देखिए कार्यशाला में लगभग 30 वर्षों से ये पत्थर तराशे जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर आंदोलन का जो इतिहास रहा है उसमें इसका अमूल्य योगदान है। अब इन पत्थरों को देखिए, ये परकोटे के पत्थर होंगे। सामने आप देख सकते हैं कि यह श्री राम जन्मभूमि परिसर का उत्तरी भाग का नवीनतम परिदृश्य है, और आप यहां देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला एवं राजस्थान से तराशी हुई मूर्तियों को जो कि व्याघ्र के रूप में हैं, यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर श्रमिकों के द्वारा इसे तराशा जा रहा है, क्योंकि इन मूर्तियों को
राम जन्मभूमि परिसर में फिट किया जाना है। अतः यहाँ पर कई प्रकार से काट छाट की जा रही है और जहाँ भी बारीकी में कमी है, जहाँ भी तराशी में कुछ कमी दिख रही है, वहाँ पर इसे कटाई के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा रहा है, क्योंकि यह सभी मूर्तियाँ नागर शैली में बन रही हैं। अतः इसके निर्माण कार्यों में जरा भी चूक इसके निर्माण कार्यों को प्रभावित करेगी और इसकी भव्यता में कमी लाएगी। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को अत्यंत सूक्ष्मता से किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि यह प्रभु श्री राम के मंदिर के सुदूर दक्षिणी भाग यानी साउथर्न पार्ट का सबसे नवीनतम परिदृश्य है और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर बड़े पैमाने पर परकोटा एवं टनल के निर्माण कार्यों को किया जा रहा है और वर्तमान में लगभग 45% के आसपास परकोटा का निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया है एवं सुरंग का निर्माण कार्य भी लगभग 35% के आसपास पूर्ण हो गया है। और इस विषय में एलएनटी ने यह जानकारी दी कि लगभग पिलर के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में है और क्योंकि इसी परिक्षेत्र में विशाल जलाशय यानी जलकुंड एवं सप्तर्षि मंदिर का निर्माण कार्य होना है, अतः यहाँ पर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि परकोटा परिक्षेत्र में पिलर की ऊंचाई लगभग 10 फीट के आसपास पहुँच चुकी है और अब इस पर कई खंडों में पिलर को स्थापित करने के बाद इस पर बीम ढलाई के कार्य शीघ्रतया आरंभ कर दिए जाएंगे। राम मंदिर के सभी निर्माण कार्यों का 2025 तक पूर्ण हो पाना अब काफ़ी अधिक मुश्किल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों की संख्या में लगातार कमी की वजह से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पर लगातार बारिश होने के कारण परिसर में निर्माण कार्यों की गति काफ़ी अधिक मंद हो चुकी है और इस कारण से श्रमिकों की संख्या भी काफ़ी अधिक कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सभी मजदूर लगभग राजस्थान से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर तराशने के साथ पत्थरों को फिटिंग करने की प्रक्रिया उन्हें भली भांति इसकी जानकारी होती है। अतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के श्रमिकों को ही मुख्य रूप से प्रमुखता दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश वे यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं और यह निर्माण कार्यों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। और इस संदर्भ में श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी ने कुछ अहम जानकारियाँ निर्माण के संबंध में साझा की हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे श्रमिक जो इस प्रकार के कार्य को करते हैं पत्थरों से संबंधित, वो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में कई जाने माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको संपर्क किया गया है। थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उन्हें थोड़ा संकोच होता है यहाँ आने के लिए, तो हम लोग को भी प्रयास करना होगा कि उन्हें घर जैसा वातावरण मिले। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है, जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। मानसिक रूप से हम सभी कार्यों को यदि संभव हो सका तो जून 2025 में पूर्ण करना चाहेंगे। आप सभी को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि राम मंदिर निर्माण कार्यों पर जो सबसे बड़ा निर्णय है वह निर्माण समिति द्वारा ही लिया जाता है और इसमें ट्रस्ट की भूमिका नगण्य है और राम मंदिर निर्माण कार्यों की जो पूरी जिम्मेवारी है वह एलएनटी के हाथों में है। और यदि श्रमिकों की संख्या की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी तो इससे निर्माण की गति काफ़ी अधिक प्रभावित होगी और अभी निर्माण की जो डेडलाइन है वह जून 2025 तक की गई है और जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज़ के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना है। फर्स्ट फेज़ में राम मंदिर के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा किया गया था, लेकिन अब सेकेंड और थर्ड फेज़ के निर्माण कार्यों को पूर्ण करना एक बड़ी चुनौती है और जिसमें मुख्य रूप से परकोटा निर्माण कार्य मुख्य रूप से हैं और जिसमें टनल के निर्माण कार्यों को भी किया जाना है। और अभी टनल का जो हिस्सा है वह केवल 50% के आसपास ही बन पाया है।
जिसमें दक्षिणी परिक्षेत्र में केवल 35% ही निर्माण कार्य हो पाए हैं और टनल में अभी विशेष तौर पर कई प्रकार के निर्माण कार्य होने हैं और जिसमें मुख्य रूप से टनल को पूरी तरीके से नमीरोधी बनाए जाने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी और जिसका निर्माण कार्य आधे से अधिक पूर्ण हो चुका है। टनल यानी सुरंग को राम मंदिर के मुख्य दर्शन मार्ग और कुबेर टीला परिक्षेत्र से जोड़ने के लिए टाटा एवं एलएनटी के विशेष इंजीनियरों की टीम श्रीराम जन्मभूमि परिसर में मौजूद है और कुबेर टीला परिक्षेत्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए जिसमें श्रद्धालुओं के एंट्री और एग्जिट की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो और वहां पर कई प्रकार के काउंटर भी बनाए गए हैं जिसमें आपकी विधिवत चेकिंग भी होगी और वहां से आप आसानी से परिसर से बाहर की ओर निकल जाएंगे। मित्रों, प्रभु श्री राम के मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों के साथ ही क्या राम मंदिर निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण हो पाएगा, इसके संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।